एलडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ठीक है, ये सारी यूपीआई का एक जो है वो है। इसी तरह यूएलआई सरकार ला रही है। यूएलआई में क्या होगा, जितना भी लोन एप्लीकेशन है वो सारी यूएलआई के अंडर होंगी। इसी तरह जितनी भी जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाली एप्लीकेशन है, चाहे वो आपका फ़ोन पे हो, अमेजन पे हो, रेजर पे हो, गूगल पे हो, ये सारी यूपीआई के अंडर आती हैं, ठीक है। ऑनलाइन लेन देन यूपीआई ही कहलाता है एक प्रकार से, अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ तो भाई। 2000 रुपये से अगर अधिक का अब तक जो है 2000 से कम पर जो है कोई चार्ज नहीं लगता था। आप डिजिटली ट्रांजेक्शन अगर आप जो है यूपीआई के माध्यम से, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से आप करते हो तो जीएसटी लगेगा। ये फैसला इन्होंने 9 सितंबर को लिया। उसके बाद लगभग आज जो रिपोर्ट आया है उसमें ये 3/4 लोग जो है इसको छोड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है पूरा हम आपको बताएंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, छोटे बड़े आदेश हो, नए नियम हो, कोई घोषणा हो, कोई ऐलान हो, किसी योजना का पैसा जारी हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। साथियों 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर जो है 18% टैक्स लगेगा। ये एक्चुअल में टैक्स है का, ये जीएसटी है का, ठीक है। साथियों मैं इसको सीधा शब्दों में बता देता हूं, सरकार के पास कोई पैसे की मशीन नहीं है। सरकार जो है कि जो कोई पेड़ में नहीं लगते, सरकार जिसे तोड़कर आपको दे दे, ठीक है। सरकार अगर मशीनें हैं लेकिन वो उतना पैसा जितना वो होता है उतना ही पैसा छपता है भाई, ठीक है। हम तो अमेरिका से भी ज़्यादा अमीर बन जाए भाई, कोई देश भूखा क्यों रहे, वो तो कोई कितना भी छप सकता है जितना उसका, वो एक लिमिट होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये टैक्स एक माचिस की होती है ना, 1 रुपये की आती है, 100 पैसे की एक आम आदमी तक पहुँचता है, ठीक है। ये कंपनी से 30 पैसे में बढ़कर चलता है, ठीक है। 20 पैसा सरकार इस पे घर बैठे लेती है, 50 पैसा ये सब किसकी जेब से जा रहा है, मालिक की जेब से जा नहीं रहा, आपकी जेब से जाएगा ये सारा। कंपनी 30 पैसा 20 पैसा इसमें जो है सरकार टैक्स ले लेती है, 10 पैसा इस पे जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है एक माचिस पे, 60 पैसा फिर 10-15 पैसा जो डीलर होता है वो लेता है, और फिर आम दुकानदार लेता है। आम जनता तक कितने का पड़ा, 100 पैसे का पड़ा, ठीक है। अब जो है यो सरकार की जो कमाई होती नहीं है, टैक्स ही होता है, सरकार हमारे ही पैसों से चलती है, ठीक है। तो भाई जो है ये डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है, ये लेन देन शुल्क लगने पर यूपीआई का प्रयोग बंद कर देंगे 3/4 उपभोक्ता। तो 9 सितंबर को ये फैसला लिया था, 2000 रुपये से कम के यूपीआई लेन देन पर शुल्क को लेकर जीएसटी की फिटनेस कमेटी जो है इसका सुझाव देगी। 9 सितंबर को इन्होंने सुझाव दिया था, अब इसे लागू किया जाएगा। जो डिजिटल है, यानी अब ये समझ लो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो या कोई भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप करते हो, इसे कहते हैं डिजिटल लेन देन, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं डिजिटल यूपीआई ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको भेज रहा हूँ तो ये हो जाता है मैनुअली होता है, ये हमारा आपका सीधा जो है पर्सनल पर्सन टू पर्सन होता है, ठीक है। इसमें जो कार्ड का कोई लफड़ा नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, समझ लेना भाई, इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप मेरे को भेज रहे हो, मैं आपको भेज रहा हूँ, इस पर कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आपने 1000 भेजे, मेरे पास 1000 ही आएंगे, ठीक है। अगर आप जीएसटी, अगर आप जो है डिजिटली लेन देन कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मेरे को भेज रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कुछ भी ले रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, यानी मेरे को भेज रहे हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से मेरे अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे 1-1 लाख 2-2 लाख तक का मिल जाता है, वो जो है 2000 से अब तक ये अधिक पे लगता था ये जीएसटी, ठीक है, लेकिन अब 2000 से कम पर भी जीएसटी लगेगा, 18% लगेगा, ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप मेरे को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपने मान लो 100 रुपये आप भेजते हो, तो मेरे पास वो जो पैसा आएगा वो 82 रुपये पैसा आएगा, 18 रुपये सरकार घर बैठे इसमें कमाएगी, ठीक है। तो ये होता है डिजिटली लेन देन, समझ गए ना भाई। तो ये जो है इससे होगा क्या, लगभग 3/4 9 सितंबर को इन्होंने किया, तो फिर जो है 75% ने शुल्क लगाने पर यूपीआई का प्रयोग बंद करने की बात कही है, कि भाई हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। 22% उपभोक्ता भुगतान पर लगने वाले शुल्क को वहन करने के जो है इच्छुक है, ठीक है। छोटे कारोबारी और उपभोक्ता इंटरनेट मीडिया पर ये चिंता जता रहे, सबसे ज़्यादा असर छोटे कारोबारी, छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे जो हैं उन पर पड़ेगा भाई। बड़ा वाला तो उनका तो लगता ही है भाई, जिनका लाखों का कारोबार हो रहा है यार, जिनका 2000 से कम की दुकानदारी है,
या फिर पेमेंट अधिकतर उनके पास 2000 से कम की आ रही है, तो उसमें 18 तो सरकार काट लेगी ना। तो ये बड़ा जो है सरकार ने झटका इनको दिया है, 18% ने लेन देन के लिए UPI का प्रयोग ना करने की बात कही है, 72% इसके खिलाफ है, 75% का कहना है कि हम इसे छोड़ ही देंगे। तो ये जो है 3/4 लोग इसका बंद करना वो कर देंगे, ठीक है। तो ये समझ लो, फिर दोहरा देता हूँ, आप मेरे को भेज रहे हो फोन पे गूगल पे से, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम डेबिट कार्ड के माध्यम से फोन पे गूगल पे से आप मेरे को भेज रहे हो तो उसमें 18% कटेगा, ठीक है। अब तक 2000 से ऊपर ये चार्ज लगता था, अब ये 2000 से कम पर भी, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।